नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक नया तरीका है, यानी कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रहा है उससे जनता के ऊपर सारी जिम्मेदारी ठहराने का एक नया तरीका विकसित हो चुका है। अरविंद केजरीवाल हमेशा यही करते हैं, सरकार बनाने के लिए भी उन्होंने जनता से सहमति अनुमति लेने की बात उठाई, सरकार गिराने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, सब्सिडी के लिए भी जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं और सब्सिडी वापस लेने के लिए भी जनता को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक दिन में पूरा फ्री बिजली का एजेंडा खत्म कर दिया, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। जब अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द बोला कि अक्टूबर से उन लोगों को ही बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो इसे लेना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को जो इसे छोड़ना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने लगभग तय कर लिया है कि अब अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फ्री बिजली खत्म हो जाएगी, बिजली पर सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और उसके लिए बताया जाएगा कि इन लोगों ने बिजली लेने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात याद कीजिए, जब वो बोल रहे थे कि फ्री बिजली उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, और इसके लिए बहाना क्या बनाया गया, उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ चिट्ठियाँ आई हैं और उन चिट्ठियों में लिखा हुआ है कि हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, उस फ्री बिजली के जो पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल आप दिल्ली के स्कूलों को बनाने के लिए कीजिए। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले दिल्ली को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करेंगे, यानी कि जो हमें बाहर से बिजली खरीदना पड़ता है उसके कारण बिजली महंगी हो जाती है और सरकार और जनता दोनों के ऊपर बोझ पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो कचरे हैं उसके बिजली बनाने के प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही दिल्ली के अंदर पावर प्लांट बनाया जाएगा और फिर बाहर से बिजली जो खरीदने की नौबत आती है उसकी नौबत नहीं आएगी, धीरे धीरे ये काम होगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते 7-8 साल गुजर चुका है और अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये काम किया कि उन्होंने फ्री बिजली 200 यूनिट तक लोगों को दिया और 200 से 400 यूनिट तक बिजली में 50% सब्सिडी दी, यानी 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लोगों को उन्होंने सरकारी खजाने से राहत दिया। अब तक दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि हम फ्री में बिजली ले रहे थे और इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। अचानक से दिल्ली के कुछ लोगों को बोधिसत्व की प्राप्ति होती है, उनका जो ज्ञान चक्षु खुल जाता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास चिट्ठी लिखे जाने लगती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसका आंकड़ा पेश नहीं करेंगे और न ही ये बताएंगे कि कितने लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं कौन। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही चिट्ठी लिखवा के अरविंद केजरीवाल ने ये बहाना बनाया, ये तो अलग सवाल है कि सबसे पहला फर्जीवाड़ा चिट्ठी लिखने को लेकर बताने को लेकर है, क्योंकि ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। उन्होंने हर समय पर ऐसी ही राजनीति की है, जब किसी के ऊपर आरोप लगाना होता है तो उस समय भी ऐसी ही बातें करते हैं। पंजाब चुनाव के समय जब वो पंजाब जाते थे तो हर बार उनके सामने कोई ना कोई भाजपा या कांग्रेस समर्थक उपस्थित हो जाता था और उन्हें ऐसे बताता था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अपने रैलियों में इस तरह की बातें की है कि जब लुधियाना में वो थे तो कुछ व्यापारी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि पंजाब में सांप्रदायिकता फैल रही है, सिख और हिंदू के बीच विवाद पैदा हो रहा है और ये पैदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जिन्होंने इनसे कहा वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ही होंगे,
क्योंकि केजरीवाल किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में दूसरे के समर्थकों से कहलवाना नहीं चाहते हैं। कुछ इसी तरह की बात अब दिल्ली में वो करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये अभियान शुरू होगा और 1 अक्टूबर के बाद से सबके मोबाइल पे मैसेज जाएगा जिनके जिनके नाम से बिजली का कनेक्शन है, उनके मोबाइल पर जो मैसेज जाएगा उस मैसेज में ऑप्ट करने का या फिर छोड़ने का 2 विकल्प होगा। और जो लोग बिजली के सब्सिडी चाहते हैं वो बिजली के सब्सिडी के लिए हामी भरेंगे, और जो नहीं चाहते हैं वो बिजली का सब्सिडी के लिए छोड़ देंगे, यानी उनको पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि 400 यूनिट तक जो सब्सिडी है उसके सही मायने को समझने की ज़रूरत है। ये सब्सिडी किन लोगों को मिलती है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत है? ये सब्सिडी मिडिल क्लास के लिए दिल्ली के हैं, क्योंकि 400 यूनिट तक सब्सिडी में 200 यूनिट मुफ्त का बिजली सामान्य तरीके से 2 कमरों वाले घरों के लोग ही उठा सकते हैं, या फिर अलग अलग मीटर लगा के उठा सकते हैं। जिनके पास बड़े बंगले बड़े घर हैं, जो ज़्यादा बिजली का कंजप्शन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, और वो अमीर लोग हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। अब स्थिति यह है कि क्या मिडिल क्लास के लोग, जिन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सराहना की, उनका समर्थन किया, वो अचानक से इतने अमीर हो गए कि उन्हें लग रहा है कि अब 1,000-2,000 रुपया बिजली बिल सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा हो गया है कि अब वो बिजली बिल दे सकते हैं? जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरा विपक्ष ये कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है, बेरोजगारी है और संसाधन नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो बिजली बिल के लिए अकस्मात लोगों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास चिट्ठी लिखना क्यों शुरू कर दिया कि अब हम इतने पैसे वाले हो गए हैं कि आप हमसे पैसा ले सकते हैं और उससे स्कूल बनवाइए? ये एक दूसरा आधार है जो अरविंद केजरीवाल के झूठ की तरफ इशारा करता है। तीसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे यही करने वाले हैं कि एक एक व्यक्ति का बिजली बिल के सब्सिडी खत्म करेंगे, क्योंकि जो मैसेज भेजा जाता है वो ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है, और उसमें बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये मैसेज जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आया है उसमें हमें करना क्या है। गलती से अगर दब गया तब तो बिजली के फ्री लेने के कैटेगरी से आप आउट हो गए, और दूसरी बात, अगर आपने बार बार उसको रिजेक्ट भी किया तो भी वो जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज है उस सिस्टम में ही ये चीज़ें की जाती है कि 10% 5% लोगों को हर बार ऑप्ट करवा दिया जाएगा कि हम सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, और हर महीने 10-5% लोगों का बिजली बिल आना शुरू होगा, उनको सब्सिडी से बाहर कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे 2-3-4 महीने के बीच जब लोगों को ये लगने लगेगा कि हमने ऐसा किया है, और वो अगर कंप्लेन लेके जाएंगे तो कंप्लेन पर सुनवाई बहुत धीरे धीरे होती है, और उसके बाद लोगों के मन में ये धीरे धीरे हो जाएगा कि हमें अब बिजली बिल देना पड़ेगा, और फिर अरविंद केजरीवाल जो अब सोच रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव अभी दूर है और इसके लिए जब चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर से उनके पास कुछ चिट्ठियां आएगी कि अब दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं बिजली से और फिर उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए, छूट दी जानी चाहिए, और चुनाव से कुछ महीने पहले हो सकता है कि वो फिर से 200 यूनिट के बदले 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें, जैसा कि पंजाब में उन्होंने अभी वर्तमान में किया है और बाद में पंजाब में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो एक तरफ पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल करके तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की गई और पूरा मीडिया का ध्यान उस तरफ चलाया गया, और दूसरी तरफ केजरीवाल ने ऐसी कैची चलाई है जिससे अक्टूबर से दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलना बंद हो जाएगा और परेशानियां बढ़ने वाली है। ये अरविंद केजरीवाल की धूर्तता है जो अपनी प्लानिंग अपने फैसले के लिए भी जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जनता नहीं
कहा है कि हम बिजली बिल देने के लिए तैयार हैं और आप हमसे बिजली बिल नहीं ले रहे हैं, इसके लिए कोई ऐसा विकल्प दीजिए ताकि हम बिजली बिल का सब्सिडी छोड़ सकें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।